सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के बारे में एक सवाल घूम घूम के वापस कमेंट बॉक्स में लिखा जा रहा है कि सर हम परिपक्वता राशि कैसे लिखें। परिपक्वता राशि लिखने का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के अंदर केवल इन्वेस्टमेंट डेट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखना है। आपकी इन्वेस्टमेंट डेट के आधार पर जब आपका फाइनलाइज मैटर होगा तब इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जा सकेगा। यानी कि फिलहाल आपको न तो इन्वेस्टमेंट डेट सॉरी न तो आपको मैच्योरिटी की डेट लिखनी है न मैच्योरिटी का अमाउंट लिखना है। इसका मतलब क्लियर है परिपक्वता हुई है या नहीं हुई है। आप आवेदन कर सकते हैं और आपको परिपक्वता राशि और मैच्योरिटी डेट लिखने की आवश्यकता कतई नहीं है। इस बात को ध्यान रखें और इसी प्रकार के अपडेट हमारे इसी YouTube चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें और साथ ही ऐसे अपडेट हमारे द्वारा दिए जाते रहते हैं। इसी कारण कह रहे हैं जो भी अपडेट आएगा हमारे इस चैनल पे पोस्ट होगा और वो आप तक पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।